हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरोटेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आप जिस भी पर्सन के साथ करंट में डील कर रहे हैं, आज सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में, इनके दिल में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर चला, क्या इस इंसान ने सुबह सुबह आपको याद करा भी या नहीं, और किस तरह से और क्या, ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में देख रही हूँ। व्यूअर्स, आपको ये याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में जबरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, यानी कि जो भी रीडिंग होगी वो मैरिड अनमैरिड लड़का लड़की कोई भी बेझिझक होकर देख सकता है, एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स, तो जब भी आपके सामने ये आएगी आप बेझिझक होकर देख सकते हैं। फोकस आप अपने पर्सन के ऊपर बना लीजिएगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं, आज सुबह सुबह ये पर्सन किस एनर्जी में रहे। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज रही, किस एनर्जी में व्यूअर्स के पर्सन रहे हैं। प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या रही हैं। तो सबसे पहले है व्यूअर्स ड्रीम्स, क्विक कॉल और मैसेज, मैनिफेस्ट, नो कॉम्प्रोमाइज, अ परमानेंट कनेक्शन, पीसफुल, हील्ड, ऑब्स्टिकल्स। गाइड कीजिए बताइए डिवाइन, सुबह सुबह व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए डिवाइन। ट्रुथ, कर्मा, बैड टाइमिंग एंड बॉटम की एनर्जी है व्यूअर्स जस्टिस। ओके, तो सबसे पहले एनर्जीज को पढ़ा जा रहा है व्यूअर्स, तो राशियां जब मैं टैरो से क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड्स निकालूंगी देन आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले मैं थोड़ी सी सिचुएशंस जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट से लेकर अब तक चल रही है ना करंट में, उसके बारे में डिस्कस करूंगी, जिससे आपको आइडिया हो पाएगा कि कितनी ये रीडिंग आपकी है और कितनी नहीं है, कितने परसेंटेज आपसे ये रीडिंग मिल पा रही है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है व्यूअर्स कि आप लोगों के बीच में जो पैचअप नहीं हो रहा है, आप दोनों जो मिल नहीं पा रहे हो, उसके पीछे का मेन रीज़न या मेन ऑब्स्टिकल्स जो है वो है इस पर्सन का किसी भी सूरत में किसी भी वे में कॉम्प्रोमाइज ना करना। किसी भी तरह का ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है या इनके परिवार का आप दोनों के रिश्ते के लिए कॉम्प्रोमाइज ना करना, मेन ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर ये बना पड़ा है। और यहाँ पर ये इंसान भी ये चीज़ें जानते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि यही चीज इस इंसान के भी मन का, दिल का, सबका सुकून चैन जैसे इनसे छीने पड़ी है, तो ऐसे मुझे सिचुएशंस दिखाई दे रही है। और ऐसा भी यहाँ पर व्यूअर्स देख पा रही हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं आप दोनों के बीच में, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है, वो सभी चीज़ें इस इंसान को पूरी तरह से तोड़ रही हैं, पूरी तरह से अंदर ही अंदर इस इंसान के तूफान क्रिएट कर रही हैं। और ये समझ पा रहे हैं कि ये जो भी इनका आज है, ये इनका सबसे बुरा वक्त है, इसे शायद इन्होंने खुद से अट्रैक्ट कर लिया, इसे खुद से मैनिफेस्ट कर लिया, या इनका कोई बुरा कर्मा था जो इनके तरफ इस तरह से अट्रैक्ट हुआ, यानी कि ये चीज़ें इस इंसान के खुद के लिए गुत्थी, एक पहेली बनती जा रही है जिसके बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एज इन की देखो ऑब्स्टिकल्स है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स होते हैं तो उनका कोई सॉल्यूशन भी होता है, लेकिन ये ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में कुछ इस तरह से बने हुए हैं जो सॉल्व होने की बजाय डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, कॉम्प्लिकेट होते जा रहे हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल का, मन का, सबका सुकून जैसे मानो छिना पड़ा है। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ व्यूअर्स, भले आप दोनों के कनेक्शन में कितने भी ऑब्स्टिकल्स हो, कितने भी रीजंस हो, लेकिन ये जो भी कनेक्शन है आप दोनों के बीच का, वो एक परमानेंट
कनेक्शन है, मतलब एक ऐसा कनेक्शन है जो डिवाइन के थ्रू बनाया गया है। ये एक ऐसा सच है जिस सच को शायद ना तो आप समझ पा रहे हो ना आपके पर्सन समझ पा रहे हैं। अब वो अपने आज को देखकर, अपने अतीत को देखकर कहीं ना कहीं यहाँ पर बुरे वक्त को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और उस बुरे वक्त को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप हो या आपके पर्सन, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, सिर्फ एकमात्र इंसान की बात आप दोनों में से नहीं करी जा रही है। यहाँ पर ना ये इंसान सुबह सुबह कहीं ना कहीं आपको कॉल करने की, आपको मैसेज करने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा अपने अंदर डेवलप होती हुई पा रहे हैं। या तो आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत पीक लेवल पर मेरे व्यूअर्स इस इंसान की कॉल, टेक्स्ट या मैसेज को मैनिफेस्ट कर रहे हो या ये कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही सूरतों में इच्छा इस पर्सन के दिल में ज़्यादा डेवलप हो रही है आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज ड्रॉप करने की। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं, सुबह सुबह मानो जैसे इस इंसान ने आपका कोई ऐसा ख्वाब देखा जिस ख्वाब के बाद इस इंसान को एक सच समझ में आया, इस रिश्ते से रिलेटेड सच, कि इस रिश्ते से जितना भी अपने आप को दूर लेकर जाएंगे ये रिश्ता ना इन्हें अपनी तरफ बुला ही लेगा, चाहे वो माध्यम कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो माध्यम इनके सपने हो या इनके मन में जो आपसे बात करने की इच्छा है, मैसेज करने की इच्छा है वो हो। तो ये इंसान ना सुबह सुबह कहीं ना कहीं इसी जद्दोजहद में, इसी कंफ्यूजन में अपने आप को खड़ा हुआ पा रहे हैं। आखिर ये किस तरह का सच है जो ये समझ भी पा रहे हैं और ये नहीं भी समझ पा रहे, इस दोनों चीज़ों में जैसे इंसान अपने आप को झूलता हुआ पा रहे हैं, क्योंकि इनका आज और इनका पास्ट इन्हें ये चीज़ें तो दिखा रहा है, इन्हें कुछ और ही चीज़ें दिखा रहा है इनफैक्ट, कि इस रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहे, चाहे वो इनकी तरफ से, इनके परिवार की तरफ से, और यही सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर ये इंसान इसी जद्दोजहद, इसी कश्मकश के चलते व्यूअर्स अपने अंदर ना एक तूफान उमड़ता हुआ फील करते रहे, जब आपके साथ के कनेक्शन के बारे में, उस सच के बारे में जान रहे हैं, उस सपने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें ऐसी फील हो रही हैं सब कुछ हील हो जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, बुरा वक्त अच्छे वक्त में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्मा जो है वो न्याय में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये सच जो इन्हें अच्छा महसूस करा रहा है, ये इससे जीते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं, लेकिन जो आज के हालात हैं, आज की सिचुएशन है, आज का जो बुरा वक्त है ना, वो बार बार इन्हें इसी सिचुएशंस को दिखा रहा है जो इन्हें अगेन उसी डिलेमा में, उसी कंफ्यूजन में लेकर जा रहा है। व्यूअर्स, जो कंफ्यूजन आपको भी दिख रहा है और इस इंसान के थ्रू दिखाया भी जा रहा है, होना हो यहाँ पर ना व्यूअर्स, मुझे ये चीज़ें तो बहुत क्लियरली दिख रही है कि अभी इस रिश्ते को ना हील होने की ज़रूरत है, समय की इस रिश्ते को ज़रूरत है, फिर चाहे ये हील जो भी होगा ना वो आप दोनों के बीच में दूरियां आने के बाद ही क्यों ना हो। और ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि जिस पल इस सच को जान पा रहे हैं, जिस पल में ये पर्सन इस कनेक्शन से रिलेटेड सच को समझ पा रहे हैं, उस पल में ना इन्हें आपका कंपेयर, इस रिश्ते का आपसे कंपेयर इन्हें कोई और नहीं करता हुआ दिख रहा। तो वो चीज़ें इस इंसान के सारे भ्रम को, सारे इल्यूजन्स को जैसे मानो क्लियर कर रही हो, तो वो एनर्जी में ये पर्सन है। यहाँ पर मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं व्यूअर्स कि ये इंसान ना हो जितना अपने अंदर आपसे बात करने की इच्छा डेवलप होती हुई पा रहे, उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ से इनकी तरफ कोई कॉल आ जाए उसे भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके भी मैं यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़, उसके भी यहाँ पे मैं चांसेस बनते हुए देख पा रही हूँ। इस इंसान को जब भी आपसे रिलेटेड ख्वाब दिखता है तो मन इनका सुकून से भर जाता है, वो बुरा वक्त जैसे मानो छट जाता हो, वो बुरे बादल इनकी ज़िंदगी से जैसे मानो छट जाते हों, वो फील इन्होंने करा। और आज सुबह भी इन्होंने जैसे आपसे रिलेटेड कोई ऐसा ख्वाब देखा जो इस इंसान को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें समझा गया, इस इंसान के काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर कर गया। लेकिन जब करंट को इंसान देखता है ना, तो वो अपने ख्वाब पर इतना भरोसा नहीं कर पाता जो एक्चुअली में रियलिटी है, ठीक है।
तो वो चीजें इनके साथ अब हो रही हैं। चलिए क्लैरिफाई करते हैं राशियां, नंबर्स, मंथ, सब चीजें मैं आपको बताऊंगी व्यूअर्स। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। कार्ड्स निकालने के साथ साथ आपको सभी चीजें क्लियर करती चलूंगी। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन सुबह सुबह व्यूअर्स को लेकर और कैसा महसूस कर रहे हैं। स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। टेन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एस ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, नाइट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो भाई राशियां एलिमेंट्स यहाँ पे ना लाइन से चारों के चारों आ गए हैं, तो राशियां सभी कंप्लीट हो गई हैं। नंबर यहाँ पे अभी तक जो मुझे आपके लिए खास बनते हुए दिखे वो है 10, 1, 12, 7, 14, 7, 4, 6, 1, 1 काफी ज्यादा खास मुझे बनता हुआ दिख रहा है, 6 अगेन 13 एंड बॉटम है आपका 5। ठीक है व्यूअर्स, मैं सभी कार्ड्स भी आपको क्लियर करती चलूंगी, आप इस चीज की चिंता मत कीजिएगा क्या आया कैसे आया, सभी चीजें यहाँ पर आपको बहुत क्लियरली बताई जाएंगी समझाई जाएंगी। ठीक है व्यूअर्स, सबसे पहले मैं मंथ्स की बात कर लेती हूँ कि कौन कौन से मंथ मुझे आपके लिए खास बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे है अक्टूबर, जनवरी, दिसंबर, जुलाई और आपका अप्रैल, जून एंड मई, ये मुझे काफ़ी खास बनते हुए दिख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज़ कुछ लोगों के केस में ये बन रही है, आप दोनों के बीच में एक साल से कोई बातचीत नहीं हुई है, एक साल से आप दोनों के बीच में कोई खास कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, उसके मुझे चांसेस कुछ लोगों के केस में बनते हुए यहाँ पर काफ़ी क्लियरली दिख रहे हैं। और कुछ लोगों का ऐसा भी दिख रहा है जैसे आपका जो भी रिश्ता है इनके साथ वो 7 साल का है और 7 महीने से आप अलग हो, 7 महीने से ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम्स यहाँ पर फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर ना न्याय की जब बात आती है तो बेसिकली इस इंसान को याद आता है जिस पल में इस इंसान ने आपकी बैक के पीछे खंजर घोपा, यानी कि इस इंसान ने आपके साथ न्याय नहीं करा, आपके साथ अनफेयर करा। आप इस इंसान पर ना आप बंद करके भरोसा कर रहे थे और इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपकी उसी चीज़ का फायदा उठाया और आपकी बैक के पीछे इन्होंने खंजर घोपा आपके साथ अन्याय करके। किस वे में इस इंसान ने आपके साथ अन्याय करा या किस तरह के यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की बात करी जा रही है, बेसिकली यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आपके बीच में ऑब्स्टिकल्स बन रहा है। इस इंसान ने ना एक वक्त पे जब यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ की बात आ रही थी, जब यहाँ पर चीज़ें इस वे में आ रही थी कि आप दोनों के बीच में डिफ्रेंसेस को काउंट करे जा रहे थे, चाहे वो नेचर वाइज हो, स्टेटस वाइज हो, एज वाइज हो, तो ये इंसान ना उस चीज़ को कहीं ना कहीं सही करने की बजाय उसे गिव अप करने में ज़्यादा लगे हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ क्योंकि इन्हें उस वक्त में इसी चीज़ में अपनी जीत नज़र आ रही थी, या अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी, पैसों की बात हो रही थी, स्टेटस वाइज बात हो रही थी, या कहाँ पे इन्हें ज़्यादा स्टेबिलिटी, कहाँ इन्हें ज़्यादा पैसा मिल सकता है, उस तरह की बात हो रही थी, तो इस इंसान ने बजाय आपके साथ के रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ करने के, इस इंसान ने वहाँ पर अपनी जीत के झंडे गाड़े। तो यहाँ पर इस इंसान ने अन्याय आपके साथ करा, इस वे में करा, यानी कि ऑब्स्टिकल्स की जो वजह बनी वो ये खुद बने, अन्याय करने वाले ये खुद बने, वो चीजें इस इंसान को दिखाई दी अपने ख्वाब में, कैसे इस इंसान ने आपके बेड के पीछे खंजर घोपे उस पल में जिस पल में आप चैन से सो रहे थे, ये सोच कर कि आपका पार्टनर आपके लिए पूरी तरह से लॉयल है, आपके साथ वो पूरी लॉयलिटी निभाएगा या निभाएगी। तो इस इंसान को सुबह सुबह वो ख्वाब दिखाई दिया जिसमें इन्होंने आपके साथ कैसे अनफेयर करा, कैसे इन्होंने आपके साथ गलत करा, और इन्होंने उस ख्वाब में आपको घायल होते हुए देखा और घायल करने वाले ये खुद थे। उसी चीज ने इस इंसान को पूरी तरह से मानो जैसे व्यूअर्स झंझोर दिया हो, या इस इंसान को उस एनर्जी में लाकर खड़ा कर दिया हो जहाँ पर अगर ये अपने आप को अब भी डिफेंड नहीं करेंगे, अगर ये अपने आप को अब भी सेफ एंड सिक्योर करके नहीं चलेंगे, या अपने आप से अपने लिए अगर ये खुद स्टैंड नहीं लेंगे ना, तो फिर इनके मन का, इनके दिल का, इनके चैन का सारा सुकून इनसे छिन
जाएगा। तो उस एनर्जी में इस इंसान ने अपने आप को रखा। यहाँ पर इनका दिल कहीं ना कहीं व्यूअर्स अपने उस ख्वाब को देखकर अपनी उस पास्ट के कर्मा को याद दिला रहा है। जैसे कि आप इस इंसान से उस ख्वाब के माध्यम से सवाल कर रहे हो कि इन्होंने आपके साथ ऐसे क्यों करा, आपने इस रिश्ते में अपनी तरफ से पूरी मासूमियत दिखाई या पूरी तरह से इनोसेंसी आपने दिखाई, लेकिन स्टिल इस इंसान ने आपके साथ ऐसा कर्मा क्यों करा। तो इस तरह से इस इंसान को ख्वाब में आप इन्हें सवाल करते हुए, इनसे पूछते हुए दिखाई दिए हो, और वही चीजें इस इंसान को अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोल रही हैं आज की सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर इस इंसान का जो दिल है ना व्यूअर्स, वो आपके लिए अभी भी बेनतहा पॉजिटिव है। इनके दिल में उस ख्वाब के साथ ये थॉट भी यहाँ पर डेवलप हुआ कि अगर आप इन्हें अब भी इतने वक्त बाद भी ख्वाब में दिख रहे हो, इस तरह से दिख रहे हो, तो डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए अभी भी जगह है। अभी भी वो जगह ये किसी और को नहीं दे पाए, या अभी भी ये इंसान जब अपने आप को हील करने की इच्छा रखते हैं, अपने आप को उस बुरे कर्मा से उसे जब बाहर निकालने के बारे में सोचते हैं, तो इन्हें सबसे पहले आप दिखाई देते हो, आपका थॉट आता है इनके दिमाग में। तो वो चीजें इस इंसान को ना आपकी कॉल को मैनिफेस्ट करने के लिए, उस पास्ट को मैनिफेस्ट करने के लिए इन्हें बोल रही है उस वे में, ताकि उस अतीत में जाकर अपनी उस गलती को सुधार सके। तो कुछ उस एनर्जी में इस इंसान ने अपने आप को खुद से पाया। इन्हें ऐसा फील हो रहा था व्यूअर, सुबह सुबह बेसिकली जो इनका आज ये बुरा वक्त चल रहा है ना, उसके पीछे की वजह सिर्फ इतनी है कि इन्होंने किसी केयर करने वाले की, प्यार करने वाले की, इनोसेंस पर्सन की कदर नहीं करी, या उसकी कदर को इन्होंने छल्ली छल्ली कर दिया। इसीलिए इन्हें आज अपने इन हालातों में ये चीजें देखनी पड़ रही हैं, और आप इनसे हर तरह से कोशिश कर रहे हो वो सवाल करने की, जो आप सामने से तो आकर नहीं कर रहे हो, लेकिन हर एक माध्यम से फिर भी हो रहा है आपका वो सवाल, हर एक माध्यम से वो सवाल इन तक फिर भी पहुंच रहा है। यहां पर इस इंसान के थ्रू ये चीजें बहुत ज्यादा फील करी गई कि कुछ तो ऐसा है आप लोगों के कनेक्शन में, जो ये पर्सन अभी भी इस रिश्ते के लिए लड़ना चाह रहे हैं, इस रिश्ते की बागडोर अभी भी लेने की इच्छा इस पर्सन के दिल में डेवलप हो रही है, या अभी भी ये इस रिश्ते से किसी न किसी माध्यम से जुड़ रहे हैं। इस रिश्ते में अभी भी इंसान प्यार ढूंढना चाह रहे हैं, खखोलना चाह रहे हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बाद वो प्यार इन्हें नहीं मिलेगा, वो इन्हें आज की सिचुएशंस बता रही है। तो सुबह सुबह ये इंसान ना अपने पास्ट और अपने प्रेजेंट, इन दोनों के बीच में अपने आप को झूलता हुआ पा रहे हैं। ठीक है, पास्ट जिसमें आप इनसे सवाल कर रहे हो, जिसे इन्हें बदलना है, सही करना है, और आज जो ऑलरेडी है आपको दिख रहा है किस तरह से हमारा आज चल रहा है। ठीक है व्यूअर्स, आपको ये चीज़ें माननी पड़ेंगी, या हो सकता है मेरे व्यूअर्स इस चीज़ पर यकीन भी करते हो कि आपका पास्ट, आप अगर आपने अपने पास्ट में कोई गलती करी है ना, तो आपका पास्ट आपको आगे चैन से, सुकून से जीने नहीं देता। इसे ही तो कर्मा कहते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आपने क्रिएट करा हो। तो इनके आज में ना अब यही चीजें हो रही है कि इनका अतीत इन्हें आज में रहने नहीं दे रहा, इन्हें आज में जीने नहीं दे रहा, इन्हें वो सुकून नहीं दे रहा, इन्हें नहीं समझ में आ पा रहा, जैसे मानो कि इन्हें अब क्या मैनिफेस्ट करना है, क्या सही करना है, किधर जाना है, किधर रहना है। और इसी चीज के चलते ये इंसान ना अपने आज को भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपका कल बर्बाद करा। तो इनका आज और इनका आने वाला कल कैसे सुधर सकता है, उसी कश्मकश में, उसी जद्दोजहद में इस इंसान ने अपने आप को उस ख्वाब के माध्यम से पाया। ठीक है, अब ये देखती हूँ कि आपसे इस एनर्जी, इस फीलिंग्स के साथ ये पर्सन कहना क्या चाह रहे हैं। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए बताइए।
आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वॉन्ट टू मी इग्नोर्ड। तो बेसिकली खुद से इस इंसान को नर्वसनेस फील हो रही है क्योंकि इन्होंने आपके बैक के पीछे खंजर घोपे। आपको यकीन ही नहीं हुआ कुछ पल तो कि आपको जिसने खंजर घोपे वो कोई अपना है, ठीक है। इसीलिए इस पर्सन के दिल में नर्वसनेस फील हो रही है खुद से आपकी तरफ बात करने को लेकर, और आप जब अपनी तरफ से अब इन्हें इग्नोर कर रहे हो तो वो चीजें ना इन्हें बार बार टीज कर रही है, पिंच कर रही है कि आपके इग्नोर करने की वजह यही है क्योंकि इन्होंने आपके साथ गलत करा। नथिंग एल्स मैटर बट यू, और यही वजह बन रही है अब इस इंसान को कि ये परेशान कर रही है और कुछ चीज़ें इतनी मैटर नहीं कर रही। फिर उसके बाद तो आप इनके ख्वाबों पर, इनके सपनों पर भी काबू कर चुके हो, कब्जा कर चुके हो, तो फिर और तो अब इनके लिए और कुछ चीज़ इतनी मैटर भी नहीं करेंगी। All I really want is to see you again. अब आपसे कहना चाह रहे हैं, हालांकि दिल में इनके यही इच्छा हो रही है हर एक चीज़ को देख करना कि आपको देखें, फिर से आपके सामने आए, लेकिन आपके सामने आने के लिए इन्हें आपसे बात करनी है, इन्हें आपको फेस करना है। इसीलिए ये इंसान शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं ताकि ये उस मैनिफेस्टेशंस के माध्यम से आप तक वो सॉरी वाली वाइब्रेशन सेंड कर पाएं या अपने आप को इस कर्मा से मुक्त कर पाएं, रिलीज कर पाएं। आपसे कहना चाह रहे हैं डोंट बी सो इनसिक्योर। इनसिक्योरिटी तो खुद के दिल में डेवलप हो रही है लेकिन उसका बिल भी आप पे फाड़ना चाह रहे हैं, भाई अजीब ही बात है। I have told my family about you. अपनी फैमिली से भी तो अब इसीलिए बात करी जा रही है क्योंकि ये अपनी उस गिल्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे। इन्हें लग रहा है कि उस चीज़ का ब्लेम, उस चीज़ का आरोप चलो अपने आप पर नहीं अब फैमिली पर डाल देना चाहिए, जो बिल आप पर नहीं फट पा रहा वो फैमिली पर फाड़ देना चाहिए। तो ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है। आई एम डीपली सॉरी दैट आई वॉकड अवे फ्रॉम यू। तो वॉक अवे करा चलो वो तो ठीक था, लेकिन जाने से पहले जख्मी करने की क्या जरूरत थी, क्लैरिटी दे देते या चीजें शुरू ही ना करते। तो अब आपसे कहना चाह रहे हैं कि डीप लेवल पर बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करके गए। देखो व्यूअर्स, बेसिकली ना इन आपको मानना पड़ेगा, आप शायद मानो या ना मानो आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ करा वो इन्हें नहीं सुकून दे रहा, ठीक है। आपको अगर वो चीजें सुकून नहीं दे पा रही, आप अगर उसे नहीं भुला पा रहे हो ना, तो भुला तो ये इंसान भी नहीं पा रहे। इनके लिए भी ये चीजें अब उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रही हैं जितना ज्यादा ये इसे आसान समझकर निकल पड़े थे अपनी नाव पे बैठकर। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। चलिए ये देखते हैं हमारे कान्हा जी इस विषय में आपको किस तरह से गाइड करना चाहते हैं, क्या आपसे कहना चाहते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्प्रिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कान्हा जी मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए, बताइए उन्हें सिचुएशंस में अब कैसे क्या करना चाहिए, कैसे सिचुएशन को डील करना चाहिए, गाइड कीजिए बताइए कान्हा जी। ब्लेसिंग्स, कान्हा जी आपसे बोल रहे हैं कि देखो उन्होंने आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा आशीर्वाद दिया है। अगर आपको तकलीफ हुई है ना तो आपकी तकलीफ कान्हा जी महसूस कर पा रहे हैं और आपको उस तकलीफ में देखकर कान्हा जी आपको हर वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं जिससे आप हील हो पाओ। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, आपसे कान्हा जी ये बोल रहे हैं आपको क्या करना चाहिए। अब आपको ना सभी चीजें पता है, क्या है, कैसे है, किस चीज का क्या असर पड़ता है, लेकिन जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक वो सुनना ना सुनना बराबर है। यानी कि तब तक वो चीजें ऐसे हैं मानो एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। अब आपको अगर कुछ चीज़ शाइन करनी है ना तो अपनी सोल को करना है, अपनी सोल को हील करना है, उसे सेटिस्फाई करना है, उसे सुंदर, उसे बेहतर बनाना है। ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं। एज एन अगर आपकी सोल यहाँ पर शाइन करेगी तो डेफिनेटली कान्हा जी आपके लिए और कुछ बेहतर आपको दे पाएंगे। तो जो भी आपसे हो पाता है ना आपको वो करना है। नॉक नॉक, कान्हा जी बोल रहे हैं आप जैसे ही अपनी इनर ब्यूटी पर वर्क करोगे ना आपके सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। जो भी अभी ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पे भी पॉसिबिलिटीज बंद है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ना कैरियर चल रहा, ना जॉब चल रही, ना लव लाइफ चल रही, ना मैरिज लाइफ चल रही, तो कान्हा जी बोल रहे हैं जैसे ही आपने अपनी इनर ब्यूटी पर वर्क करा वैसे ही वो सारी पॉसिबिलिटीज, सारे दरवाजे आपकी तरफ खोल देंगे। और जो भी पेनफुल आपकी सिचुएशन है,
जो भी आपकी सिचुएशन ऐसी है कि जो अब आपसे टॉलरेट नहीं करी जा रही, आप थक चुके हो, फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, आपका अब दिल करता है कि पता नहीं क्या कर लो, तो कान्हा जी बोल रहे हैं उन सभी चीज़ों का वो अंत कर देंगे, क्योंकि उस पल से, उस घड़ी से वो आपकी ज़िंदगी में वो नए दरवाज़ों की पॉसिबिलिटीज़ खोल देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली कान्हा जी बोल रहे हैं मेरी तरफ से तो बच्चे ब्लेसिंग्स तैयार हैं, अब यहाँ पर काम तुम्हें करना है, अपनी इनर ब्यूटी को शाइन तुम्हें करना है, ठीक है। और रही बात इस इंसान की, देखो अगर ये इंसान भी अपने आज को बेहतर बनाने के लिए अपने कल को सुधार लेते हैं, कल की करी हुई गलतियों की माफी मांग लेते हैं ना, तो इनसे रिलेटेड जो भी पॉसिबिलिटीज आप चाहते हो उसके भी दरवाजे यहाँ पर खुल जाएंगे। तो ऐसा आपसे कान्हा जी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों को ही कहीं ना कहीं अब अपनी इनर ब्यूटी पर वर्क करना है, ये चीजें आपके लिए आज की इस रीडिंग में एज अ गाइडेंस बोली जा रही है, ठीक है व्यूअर्स। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए। अगर आप रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाए, आपने लाइक नहीं करा फिर भी, तो भाई जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिएगा व्यूअर्स, ताकि जब भी आपके लिए मैं नई रीडिंग लेकर आऊं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास जरूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूं मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके बाय बाय।